नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अपने शानदार खेल की बदौलत दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम शुमार किया है, लेकिन कभी कभी खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स शर्मनाक वाली श्रेणी में भी दर्ज हो जाते हैं। ऐसे रिकॉर्ड कोई भी खिलाड़ी अपने पूरे क्रिकेट करियर में हासिल नहीं करना चाहेगा। आज ऐसे ही हम पांच दिग्गज खिलाड़ियों की बात करेंगे जो कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस लिस्ट में कौन कौन खिलाड़ी शामिल है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज सनत जयसूर्या। उनका नाम इस लिस्ट में शामिल होना वाकई में हैरानी वाली बात है। जयसूर्या ने साल 1989 से 2011 तक श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया। बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने 445 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 34 बार शून्य पर अपना विकेट गंवाया। जयसूर्या ने ओडीआई करियर में 13,430 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 28 शतक और 68 अर्धशतक जड़े हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी और लेग स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने की लिस्ट में शाहिद अफरीदी दूसरे नंबर पर हैं। शाहिद अफरीदी 398 एक दिवसीय मुकाबले खेलते हुए 30 बार शून्य पर आउट हुए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के ही पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज वसीम अकरम हैं। वसीम अपनी रिवर्स स्विंग के लिए सबसे ज्यादा मशहूर खिलाड़ी थे। अपने ओडीआई करियर में उन्होंने 502 विकेट झटके, लेकिन 356 मुकाबलों में 28 बार शून्य पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड भी वसीम अकरम के नाम दर्ज है। इस लिस्ट में श्रीलंका के पूर्व कप्तान और रचनात्मक बल्लेबाज महिला जयवर्धने चौथे नंबर पर हैं। 448 एक दिवसीय मुकाबले खेलते हुए उन्होंने 12,650 रन बनाए, लेकिन इस दौरान उन्होंने 28 बार शून्य पर अपना विकेट गंवाया। वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो इस टॉप 5 लिस्ट में कोई भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। वर्ल्ड क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर 17वें यानी कि 17th नंबर पर हैं। लेकिन सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो मास्टर ब्लास्टर भारत की तरफ से सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने 463 एक दिवसीय मैच खेलते हुए 44 की औसत से 18,426 रन बनाए, लेकिन भारत की तरफ से सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड भी मास्टर ब्लास्टर के नाम पर दर्ज है। तेंदुलकर अपने करियर में 20 बार शून्य पर आउट हुए हैं। इसके बाद जवागल श्रीनाथ हैं जो कि 19 बार शून्य पर आउट हुए, और फिर युवराज सिंह का नाम आता है जो कि 18 बार भारत की तरफ से शून्य पर आउट हुए। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें लगातार प्राप्त करने के लिए क्रिक टुडे को अभी सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।